अत्याचार जुर्म करना है। आपने कहा आरोप है, हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए सब करा रहे हैं। क्या है, किसी कस्टडी के लिए आती है तो पीएमएलए कानून ऐसा है उसमें कस्टडी मिल जाती है, लेकिन कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं था। दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के स्टेटमेंट्स को जिन्होंने आधार बनाया, ये दिनेश अरोड़ा जो माने संजय सिंह जी ने भी कहा कोर्ट के अंदर, यही दिनेश अरोड़ा और यही अमित अरोड़ा ने कई बार स्टेटमेंट्स दिए हैं, और एक बार तो इसके स्टेटमेंट में लिखा है कि क्या भैया संजय सिंह को आपने कोई पैसा दिया, वाला नो नेवर। तो ऐसी क्या बात हुई कि आज वो बदल गया स्टेटमेंट? बात ये हुई कि 1 अगस्त को इस शख्स को बेल मिला, ये बना अप्रूवर, और अप्रूवर बनने के बाद 14 अगस्त को ये स्टेटमेंट देता है। उस पर क्यों कोई ट्रस्ट करेगा? वो नेचुरल सी बात है, किसी का तुम कान फाड़ोगे, किसी का दांत तोड़ोगे, किसी की परिवार को धमकी दोगे, आप इस शर्त पे कि भाई तुमको तभी छोड़ेंगे जब तुम इन इन व्यक्तियों का नाम लोगे, तो संजय सिंह का छोड़ो, वो तो मोदी का नाम ले ले। सर, ईडी ने कुल कितने करोड़ रुपए लेन देन का आरोप लगाया है? कहा है कि 2 बार में 1-1 करोड़ रुपए हुए, फिर 1 करोड़ रुपए बाद में किसी के। ये तो ईडी से पूछो भैया जी, ये तो जीरो मेरे हिसाब से ये सब हवा हवाई है। माननीय उच्चतम न्यायालय भी देख रहा है इसको, माननीय न्यायालय भी देख रहे हैं इसको, हवा हवाई है। एक नए धेले की रिकवरी नहीं, एक नए धेले का ट्रेस नहीं, एक नए धेले का एविडेंस नहीं, तो कौन किसकी पैसा। जितना अत्याचार जुर्म करना है करता है, आपने कहा बुनियाद आरोप है, दोनों आरोप बुनियाद आरोप है, हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। सर, एक मनीष सिसोदिया के मामले में कड़ी टिप्पणी ईडी को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर, उससे साफ सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं सर, उसी से लगता है। मतलब जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रहा था, क्योंकि मामला सब जुडिस है, मेरे को कोई टिप्पणी उस पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के सवाल कर रहा था उससे तो मतलब एक तरह से एक फीलिंग आ रही थी कि गलत ही केस बना रखा है इन लोगों ने हमारे ऊपर।